हेलो दोस्तों, मैं हेमंत। आज मैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर 475 की जो फ्रंट व्हील हब ग्रीसिंग होती है तो वो आज आपको बताने वाला हूँ कि हब ग्रीसिंग होती कैसी है, फ्रंट व्हील हब ग्रीसिंग। तो ये आप देख रहे हैं, ये फ्रंट व्हील है राइट साइड का। तो ये ग्रीसिंग होने के बाद जो है, ये जो चेक नट होता है, एक्सल वाला चेक नट होता है, उसको फिट करने के बाद पूरा चेक नट फुल टाइट कर दीजिए। तो जो बैरिंग जो है अपनी पोजीशन ले लेंगे और फिर उसको एक पॉइंट जो है उसको लूज़ कर दीजिए। बैरिंग अपनी पोजीशन ले लेंगे तो टायर जो है सही फिट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। और फिर उसमें लॉक पिन डाल करके उसको कैप फिट कर दीजिए। ये इसका पूरा एक्सल खोला हुआ था, ये आप तो राइट एक्सल देख रहे हैं इसका। ये आप एक्सल देखेंगे, पूरा एक्सल खोल करके इसका ग्रीसिंग करेंगे तो ये स्टेयरिंग जो है वो हल्की सी टाइट हो रही थी ऑपरेट करने में। तो ये इसके एक्सल खोल करके इसको बैरिंग चेक करेंगे, जो गड़बड़ होगा वो चेंज कर देंगे। तीन बैरिंग में से जो भी गड़बड़ होगा वो चेंज कर देंगे। सील वगैरह जो है वो भी सब चेंज करेंगे। ये खोल करके ये इसका ग्रीस जो है वो भी हटा देंगे। दोस्तों, ये न्यू मॉडल वाला महिंद्रा ट्रैक्टर है तो इसमें जो हब में बड़ा वाला बैरिंग लगता है तो वो लगता है 25877 वाला। बड़ा वाला बैरिंग है जो, उसका नंबर अलग है। ये टू टाइप्स के बैरिंग आते हैं तो ये न्यू मॉडल वाला बैरिंग है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो इसमें वो वाला बैरिंग लग जाएगा। ये स्पिंडल खोल करके एक्सल बाहर निकाल करके अभी इसका जो T138 बैरिंग है उसको चेक करेंगे। ये स्पिंडल खोला हुआ है, 24 नंबर बोल्ट लगा हुआ था उसमें, ये इस तरह से निकाला हुआ होता है स्पिंडल को। ये जो आप एक्सल देख रहे हैं तो इसमें जो बैरिंग लगता है T138, तो वो बैरिंग फिट करने से पहले बैरिंग के नीचे एक सिम डालनी होती है और बैरिंग डाल करके एक सिम ऊपर डालनी होती है, उसके बाद इसको फिट किया जाता है। और ये फिट करने के बाद एक्सल पर एक जैक लगा करके पूरा लोड जो है ट्रैक्टर का, तो वो इस पर जैक पर दिया जाता है ताकि जो बैरिंग है वो सही तरीके से सेट हो जाए पूरा बैठ करके, अब डिग्री पर इस तरह से। और ज़्यादा हो तो बीम पर एक ठोकर मार देते हैं हैमर से, ये इस तरह से, तो ये जो है पूरी तरह से एक्सल जो है बैठ जाता है, अपनी डिग्री ले लेता है पोजीशन। और फिर उसके बाद ये जैक धीरे से निकाल लिया जाता है। ये जो एक्सल है फ्रंट एक्सल, ये लेफ्ट साइड वाला फ्रंट एक्सल है, इसमें आप डबल आर्म देख रहे हैं, एक्सल आर्म स्पिंडल। तो इसको सिम डाल करके ये इस तरह से सेट किया जाता है। और जो आर्म बोल्ट है तो वो हल्का सा टाइट हो करके जाना चाहिए, एकदम फ्री नहीं होना चाहिए, वरना जो एक्सल है वो हल्का सा प्ले बताएगा स्पिंडल में। तो ये जो आर्म बोल्ट है
तो ये थोड़ा सा हल्का सा हैमर की जो चोट है उससे ठोक करके जाना चाहिए, हल्की ठोकर से। ये आप देखना, ये इस तरह से, ये, और बाकी जो है उसको फिट कर देना चाहिए। ये जाम कभी कभी इसलिए हो जाते हैं फ्रंट व्हील एक्सल, क्योंकि बारिश में यदि ये ट्रैक्टर जो है रखे रहते हैं खुले में, तो एक्सल में पानी जाने के कारण जो है ये एक्सल जो है ये जाम हो जाते हैं, तो स्टीयरिंग जो है टाइट ऑपरेट होने लगती है। यदि इनमें एक्सल में निपल वाला ग्रीसिंग होता रहे तो ये जो टाइट होने की जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये जो फ्रंट व्हील एक्सल है ये जाम हो ही जाते हैं बारिश में अक्सर। कभी कभी तो इतने टाइट हो जाते हैं, ये जाम हो जाते हैं कि स्टीयरिंग बिल्कुल जाम ही हो जाती है बारिश के कारण। तो इनमें क्या है, निपल ग्रीसिंग जो है वो होती रहे तो ये जो टाइट है, टाइट होने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। और ये जो न्यू मॉडल वाला एक्सल है तो इसमें जो बेयरिंग है वो टायर में लगा करके फिर फिट किया जाता है, एक्सल में नहीं लगता ये बेयरिंग, क्योंकि इसमें सील जो है वो न्यू मॉडल वाली होती है, तो उस कारण से बेयरिंग जो है हब में फिट करने के बाद ये फिट किया जाता है। और ये जो चेक नट है इसको फुल टाइट करने के बाद, टायर घुमाने के बाद जो चेक नट टाइट किया हुआ था उसको एक पॉइंट लूज़ कर दिया जाता है, ताकि जो दोनों बेयरिंग हैं वो अपनी जगह ले लें, आराम से पोजीशन पर आ जाएं। और ये प्ले इस तरह से देखनी होती है टायर में चेक नट को टाइट करने के बाद, ये अभी आप देखेंगे अभी टायर का जो प्ले है वो इस तरह से, ये फ्री टायर रहे एकदम, ये बिल्कुल फ्री टायर रहे, नहीं तो क्या हुआ कि जो ट्रैक्टर जब चलेगा तो फ्रीनेस जो है टायर की वो नहीं रहेगी, एकदम जो जाम है टायर वैसा जाम होकर के चलेगा वो। तो इस तरह से अपग्रीसिंग का जो है वीडियो आप देख चुके हैं।